आपके सामने जिस प्रत्याशी को इन्होंने खड़ा किया है उनकी सभ्यता आप देखिए, अपने ही कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कह रहे हैं। एक असभ्य राजनीति है जो सिर्फ हल्की हल्की बातों वाली राजनीति है, जिनके नेता आपके सामने आकर अजीब अजीब से बातें करते हैं कि भैंस चुराई जाएगी आपकी, जो कहते हैं कि देश भर में अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने किस तरह से आपकी सरकार को गिराने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश की सरकार जब बनी कांग्रेस की तब पहले से ही अर्थव्यवस्था में संकट थी, ऊपर से जब आपदा आई और जब केंद्र की तरफ से कोई राशि नहीं आई, सारी प्रदेश की राशि आपदा के लिए राहत के पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गई, और जहां जहां आपने कहा कि जो राहत के जो पैसे हैं जो मिलता है उसको आपने दुगना तीन गुना करके बहुत ज्यादा दिया, क्योंकि आप समझ रहे थे, हमारी सरकार समझ रही थी कि कितना दुख पहुंचा है लोगों को, इस समय हमें मदद करनी चाहिए, बाद में हम देख लेंगे कैसे करेंगे। लेकिन भाजपा के नेता ना आए आपके बीच, ना आपसे पूछा कि किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं, और मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें तो कह डाली लेकिन जो एक काम की चीज थी, आपको राशि यहाँ पे राष्ट्र आपदा घोषित करने की चीज, यहाँ राशि भेजने वाली बात, वो उनके मुंह से नहीं। तो सच्चाई आप खुद अपने सामने देख रहे हैं, आपदा के बाद कुछ ही महीनों बाद क्या होता है, आपकी सरकार पर आक्रमण होता है, धन बल के आधार पर उसे खरीदने की कोशिश, विधायकों को खरीदने की कोशिश, बीच रात में विधायकों को चोरी चोरों की तरह हेलीकॉप्टर में कोई गाड़ी में छुपा कर पूरी फोर्स लगा के ले जा रहा है कि दल बदला देंगे इनसे, सरकार गिरा देंगे। तो आपने एक और असलियत देखी कि जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जो कहते हैं कि देश भर में अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने किस तरह से आपकी सरकार को गिराने की कोशिश की, कैसे पैसों के इस्तेमाल से विधायकों को खरीद के दबाव डाल के केस डाल के आपकी चुनी हुई सरकार जो लोकतंत्र के तहत आपने चुनी थी उसको खत्म करने की कोशिश हुई। तो पूरी सच्चाई बहनों और भाइयों आपके सामने है। एक तरफ भाजपा है जो हर तरह से सिर्फ सत्ता को बटोर के अपने पास रखना चाहती है, उन्होंने 10 सालों में ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस पार्टी ने सचमुच 70 सालों से नहीं किए। ये कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में नहीं किया जो हमने 10 साल में किया, सच बात है। 10 सालों में इन्होंने अपनी पार्टी को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में थी, कभी इस दुनिया की अमीर सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, न किसी ने प्रयास किया उसे बनाने का, इन्होंने 10 सालों में वो काम कर लिया। इन्होंने ऐसे लोगों से चंदा लिया अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कि आप पूछिए ही मत। हम सबको कोविड की वैक्सीन लगी, आज पता चल रहा है कि वैक्सीन के वजह से तमाम मौतें हो रही हैं। उस वैक्सीन को बनाने वाले से 52 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा लिया। गुजरात में पुल गिरा, सैकड़ों लोग बह गए, उस पुल बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया, जिनपे छापे मारे थे उनसे चंदा लिया, जिनपे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लिया, मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, छापे बंद हो गए। ये है इनकी ईमानदारी और ये है इनकी सभ्यता। और आज आपको सब कुछ दिख रहा है, आपके सामने जिस प्रत्याशी को इन्होंने खड़ा किया है उनकी सभ्यता आप देखिए, अपने ही कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कह रहे हैं। तो देखिए आपके सामने एक बड़ा निर्णय है, एक तरफ एक सभ्य राजनीति, एक सच्ची राजनीति जिसके मंत्री मुख्यमंत्री नेता सब आपके सामने संकट के समय भी आते हैं, दुख के समय भी आते हैं और तमाम आपके लिए विकास के कार्य करने की बात करते हैं और वो कार्य करके दिखाते हैं, आपको वादा करते हैं चुनाव में उस वादे को पूरे करने का काम जैसे ही सरकार बनती है शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ एक असभ्य राजनीति है जो सिर्फ हल्की हल्की बातों वाली राजनीति है,
जिनके नेता आपके सामने आकर अजीब अजीब से बातें करते हैं कि भैंस चुराई जाएगी आपकी, कि आपके मंगलसूत्र चुराए जाएंगे। सबसे बड़े नेता हैं देश के, पंडित नेहरू जैसे लोगों ने वो पद संभाला, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सब ने ये पद संभाला। किसी ने ऐसी असभ्य बातें नहीं की, किसी ने उस पद की गरिमा को न देखते हुए पद का स्तर इतना नहीं गिराया जितना आज गिर रहा है। तो ये आपके सामने एक बड़ा निर्णय है, सिर्फ आप हिमाचल का अपना भविष्य नहीं तय कर रहे हैं, आप पूरे देश का भविष्य तय कर रहे हैं। ये जो वोट है आपका हथियार है, लोकतंत्र ने दिया है आपको, संविधान ने दिया है आपको, इनका कोई भरोसा नहीं है कि क्या करेंगे। संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या पता आगे क्या करने जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप खड़े हो जाएं और आप इस देश की राजनीति को सही दिशा दिखाएं।